दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। पड़ोसी देश चीन एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कोरोना में सहानुभूति प्रकट कर रहा है और इस दुख की घड़ी में यथासंभव मदद का वादा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में दबे पांव एक बार फिर अपनी पोजीशन भी मजबूत कर रहा है। जानकारी मिली है कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने अपनी उपस्थिति एक बार फिर से मजबूत कर ली है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्वी लद्दाख के भीतरी इलाकों में स्थायी आवास और डिपो बना लिया है, यानी बातचीत के बीच चीन एक बार फिर आक्रामक शैली में नजर आ रहा है। पाकिस्तान दिनों दिन गिलगित बाल्टिस्तान पर अपना दावा मजबूत करता जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को गिलगित बाल्टिस्तान के लिए 370 अरब रुपए के विकास पैकेज की घोषणा की। इसमें स्थानीय युवकों के कौशल विकास और क्षेत्र को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाना है। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में पानी को लेकर हुई फायरिंग में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के नागरिकों के बीच बहस शुरू हुई, फिर पत्थरबाजी में सुरक्षा बल भी शामिल हो गए, जिसके बाद किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने एक दूसरे पर गोलियां भी चलाई। वहीं पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अफगानिस्तान में एक गेस्ट हाउस में हुए आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। पूर्वी अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में एक विस्फोटकों से भरा ट्रक एक गेस्ट हाउस में घुस गया। इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में सरकार की तरफ से गरीबों, छात्रों और यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस में ठहरने की मुफ्त व्यवस्था की जाती है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली फाइजर बायोनटेक कंपनी ने बच्चों के लिए एक कोरोना टीका बनाया है। कंपनी को अब यूरोप में इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने का इंतजार है। वहीं ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दावा किया है कि भारत ने चीन को 40,000 ऑक्सीजन जनरेटर्स का ऑर्डर दिया है और इनका उत्पादन चीन में तेजी से जारी है। जल्द ही चीनी कंपनियां भारत को जरूरी मेडिकल सप्लाई मुहैया कराएंगी। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और दुनिया के टॉप बिजनेसमैन बिल गेट्स इस बात को लेकर आलोचना के केंद्र में आ गए हैं कि भारत समेत विकासशील देशों के साथ टीके के फॉर्मूले को साझा नहीं किया जाना चाहिए। उधर अमेरिका के टॉप महामारी विशेषज्ञ एंटनी फाउसी ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए भारत को इस समय कुछ हफ्तों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की जरूरत है।